दोस्तों बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर को समझने की और उसका नाम है भैया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब यहाँ पे एक तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन अपन करने वाले हैं और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट ज्यादातर आप फ्यूचर में यूज करने वाले जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो तीन यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू उनको हम लोग यहाँ पे समझने की जानने की कोशिश करेंगे। देखो यार एंड और नॉट ये तीनों के बारे में तो आपको पता है, आइडिया है, बस यही है भैया वो जिसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं, समझना चाहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ए और बी की वैल्यू मैंने 5 और 6 रिस्पेक्टिवली यहाँ असाइन करके रखी है और यहाँ एक स्टेटमेंट आप देख रहे हो और दूसरी ओर एक और स्टेटमेंट देख रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है और दूसरी ओर एक और स्टेटमेंट है और इसके बीच में कुछ अलग अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इसे कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। एंड का ट्रूथ टेबल आपको पता है, बिहेवियर पता है कि जब दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे तभी रिस्पेक्टिवली वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू आपके कंसोल पे प्रिंट करेगा, सही बात है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये जो नीचे आप देख रहे हो इसे कहते हैं, ये जो दो दंडियां मैंने खड़ी कर दी हैं इसे आप कहोगे लॉजिकल और, इसे क्या कहते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके भी भैया दो साइड में, इसके दोनों साइड में स्टेटमेंट होंगे, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है और यहाँ पे इन स्टेटमेंट में अगर आप गौर से देखोगे तो जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर डिस्कस किए थे वही यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। और अगला जो आप देखोगे उसे कहते हैं लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जिसे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं बाहर, ओके। अब अगर ये रिस्पेक्टिव आपकी कंडीशन जो है एक तरीके से ट्रू है तो वो क्या करता है, नॉट लगा देता है, फॉल्स कर देता है। मतलब एक तरीके से अगर जीरो है तो वन कर देता है, वन है तो जीरो कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। इस तरीके से भैया आप नॉट लगाने की कोशिश कर रहे हो। और का तो ट्रूथ टेबल आपको पता होगा, लॉजिकल और ट्रूथ टेबल क्या होता है कि यहाँ पे फॉल्स तभी रिटर्न हो सकता है जब दोनों स्टेटमेंट जो आपके उस ऑपरेटर के आजू बाजू है जब वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करे तभी जाके आपका यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, ये ऑपरेटर फॉल्स प्रिंट करेगा कंसोल के ऊपर। अब हम लोग क्या करते हैं एक एक करके भैया इसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ ट्रू रिटर्न किया, क्यों? बिकॉज पहली कंडीशन क्या कहती है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यस इट इज ट्रू, 5 और 6 इक्वल नहीं है। और दूसरी क्या कहती है कि ए इज लेस देन बी, यस 5 लेस देन 6 है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट ने क्या किया, ट्रू रिटर्न किया, इस वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है भैया, कंसोल पे ट्रू लिखा हुआ, प्रिंट लिखा हुआ आपको मिल रहा है। अगर मैं इस चेंज कर दूं इस कंडीशन को, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आपको यहाँ पे फॉल्स देखने को तुरंत मिल जाएगा। ये एंड का जो बिहेवियर है ना ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है और ये लॉजिकल ऑपरेशन इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेम सिचुएशन है, सेम है, ओके, दोनों स्टेटमेंट जो सेम है, बस यहाँ पे बीच में इन दोनों स्टेटमेंट के भैया ऑपरेटर चेंज हो गया, यहाँ लॉजिकल और ऑपरेटर मैंने लगा दिया है। अब देखते हैं क्या प्रिंट करेगा, क्या ये भी एंड की तरह बिहेव करेगा या फिर अपना कुछ स्पेशलिटी दिखाएगा। तो आप देख सकते हो इसने स्पेशलिटी दिखा दी है, ट्रू कर दिया है प्रिंट, बिकॉज एक स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है तो इसको चलता है, और को आपको पता चलता है जब तक दोनों फॉल्स नहीं होते तब तक भाई साहब यहाँ पे ये एक तरीके से आपका फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। अब इस केस में वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों? बिकॉज ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, और जब मैं इसे रन करता हूं तो आपको यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं भैया इसकी, ओके। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तो ए इज इक्वल टू बी, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है, बराबर है। तो फॉल्स को हम लोग नॉट लगा के ट्रू करने वाले, यानी कि आपका यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो चुका है कंसोल के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं, यहाँ पे नॉट लगाता हूं कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो है मेरा ब्रैकेट्स के अंदर का ये क्या है, इट इज ट्रू, और उसको फिर नॉट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, और वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को और डिटेल में समझते हैं, और समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड कर दी है, लाइन नंबर 10 पे फोकस करोगे तो एक नई लाइन ऐड कर दी है। यहाँ पे आप बोलोगे भैया अगर तू इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो एरर आना तो तय है। मैं पूछता हूँ क्यों आएगा एरर, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो तूने एक ही एंड सिंबल लगा रखा है, एक्चुअल में कन्वेंशन क्या है, दो एंड का, बराबर, तो यहां तो एरर आना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां एरर नहीं आएगा, यहां बिल्कुल भी कतई भी एरर नहीं आने वाला है। तो आप बोलोगे भैया ये फिर ये क्या मामला है, ये समझना है मुझे, फिर तो समझाता हूं दोस्तों आपको। ये सिंगल एंड सिंबल लगा लो या डबल एंड सिंबल लगा लो, बोलोगे तो दोनों को ही आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर ही बोलोगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर ही बोलोगे। लेकिन फर्क यहाँ पे सिर्फ जो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि जब आप सिंगल एंड से डील कर रहे हो, सिंगल एंड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो उसको एक नाम दिया गया है, उसका नाम है, उसी का काम भी बताता है उसका नाम, और नाम जो है भैया वो है एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्या है,
एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे जो है एलिमेंट्स के साथ अगर आपको खेलना है, एलिमेंट्स के बीच में अगर आपको एक तरीके से कोई लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है तो वो आपके समक्ष है, वो आपके सामने है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक एंड सिंबल का जो है वो प्रयोग करना है। अभी और बेहतर तरीके से मैं आपको एक सिंगल एंड और डबल एंड, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर कंसीडर किया है दोस्तों, एक वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये दो वेक्टर्स हैं, इसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ है भाई, इसके अंदर मैंने तीन तीन एलिमेंट डाल रखे हैं बराबर। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो इसके बिहेवियर के थ्रू मैं आपको जो है डिफरेंस समझाना चाहूंगा दोनों के अंदर। अभी आप देख सकते हो यहाँ रन हो गया तो क्या आया भैया यहाँ पे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कुछ इस तरीके से भैया जो है रिजल्ट हमें मिला है। ओके, ये रिजल्ट हमें तीन क्यों मिले भैया, व्हाई वी गॉट थ्री रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पे हमने एलिमेंट वाइज एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। एलिमेंट वाइज मतलब यहाँ पे जो आपके वेक्टर है उनके एलिमेंट्स के बीच में एक तरीके से आप जो है एंड लगा रहे हो, एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा रहे हो हर एलिमेंट के बीच में बराबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर का पहला एलिमेंट और ये दूसरे वेक्टर का पहला एलिमेंट, ट्रू और फॉल्स। अब इसके बीच में जब मैं एंड लगाता हूं क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑब्वियसली फॉल्स मिलेगा, बिकॉज एंड का नेचर क्या है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होते तब तक, जब तक दोनों एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, जब तक दोनों एलिमेंट्स ट्रू नहीं होते तब तक आपको रिटर्न में ट्रू नहीं मिलने वाला है। तो यहां पे आप देख सकते हो पहला एलिमेंट ट्रू फॉल्स, तो रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स मिला। दूसरा एलिमेंट कंपेयर हुआ दोनों वेक्टर का, फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स ही मिलना है। तीसरा भी क्या है, फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स ही मिलना है, इस तरीके से। अब चलो मैं थोड़ा सा ना यहां पे लिख देता हूं भैया ट्रू, ओके ट्रू लिख देता हूं कुछ इस तरीके से। नाउ लेट्स सी क्या रिजल्ट्स में कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एलिमेंट वाइज लॉजिकल एंड जो है लगाया जा रहा है। अगर दो एलिमेंट्स आपके ट्रू हैं तो वो आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न करवाएगा, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको भैया यहाँ पे दो एंड लगाता हूं, क्या लगाता हूं मैं यहाँ पे दो एंड लगाता हूं। अब देखते हैं भैया रिजल्ट में क्या फर्क मिलने वाला है हमें, एग्जीक्यूशन जो है क्या होने वाला है। अब आप देखो जरा मजेदार बात होने वाली है, और यहाँ रिजल्ट आपके सामने है, यहाँ तीन की जगह सिर्फ एक ही मुझे मिला है, तीन की जगह सिर्फ एक ही मिला है। ये क्यों मिला है मुझे, बिकॉज यहाँ पे जब आप डबल एंड लगाते हो, जब आप इंटरेस्टेड हो एलिमेंट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करने में, एलिमेंट वाइज लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में जब आप इंटरेस्टेड हो और उसमें आपने लगा दिया डबल, तो यहां हो जाएगी थोड़ी सी गड़बड़। क्यों, बिकॉज यहां वो वेक्टर का सिर्फ पहले एलिमेंट्स को ही एक तरीके से कंपेयर कर रहा है, मतलब कंसिडर कर रहा है आपके दोनों वेक्टर के पहले वाले एलिमेंट को ही, यहाँ पे वो एक तरीके से कंसिडर कर रहा है, दोनों के बीच में एंड हो रहा है और जो रिजल्ट है वो आपको मिल रहा है ट्रू 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 ट्रू, रिटर्न क्या मिलेगा ट्रू। ये आपका एंड का नेचर है, बिहेवियर है। चलो इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ही कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं और यहाँ मैंने फॉल्स किया, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए फॉल्स, जो कि मुझे मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू मैंने जो नेचर था डबल एंड और एंड का, है तो दोनों ही लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन सिचुएशन जब अलग अलग होती है तो वहां पे उनका इस्तेमाल हमने करना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है। अब सिमिलर केस में यहाँ पे जो और की दो डंडियां हैं ये भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं और की दो डंडियां रख देता हूं तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, यहाँ पे भी आपके इन वेक्टर का पहला एलिमेंट ही एक तरीके से कंसिडर किया जाने वाला है और उससे रिजल्ट मिलने वाला है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अभी आपको ट्रू मिलेगा और वो ट्रू आपको रिजल्ट मिला है। क्यों, बिकॉज ट्रू फॉल्स इज ट्रू इन द केस ऑफ और। लेकिन अगर मैं यहां पे एक डंडी रखता हूं जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट वाइज और, एलिमेंट वाइज लॉजिकल और ऑपरेटर है ये। अब जब मैं इसे एक तरीके से रन करता हूं तो आपको रिजल्ट मिल रहा है भैया हर एक एलिमेंट के लिए, क्या मिल रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए, इसीलिए उसका नाम भी है एलिमेंट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर, एलिमेंट वाइज, बराबर है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी आपको समझा दी है रिलेटेड टू लॉजिकल ऑपरेटर्स इन आर प्रोग्रामिंग।